मैं एक और सिंगर का फैन बन चुका हूँ। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 को जल्द ही विनर मिल जाएगा। इस समय टॉप 6 कंटेस्टेंट बचे हैं। हर कंटेस्टेंट अपनी गायकी से हर वीकेंड पर शो के जजेस के साथ साथ गेस्ट जज को भी भाव विभोर कर देते हैं। बता दें कि हर एपिसोड में फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने सेलिब्रिटी शिरकत करते हैं। इस बार शो पर फिल्म निर्माता निर्देशक करण जौहर आने वाले हैं। अपकमिंग शो पर कंटेस्टेंट करण की फिल्मों के गाने सुनाएंगे। उससे पहले इंडियन आइडल 12 का एक प्रोमो सामने आया है। उसमें शो की एक कंटेस्टेंट अरुणीता कांजीलाल, जिसे विनर का प्रबल दावेदार माना जा रहा है, उसकी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। अरुणीता इस प्रोमो में करण के फिल्म कभी खुशी कभी गम का गाना मेरी सांसों में तू है समाया गाती नजर आ रही हैं। उनकी सुरीली आवाज़ सुनकर करण खुश होते हैं और कहते हैं कि आज मैं एक और सिंगर का फैन बन चुका हूँ और वो है अरुणीता। इसके आगे करण कहते हैं कि मैं आपका धर्मा फैमिली में वेलकम करता हूं। करण स्टेज पर आकर अरुणीता को गोल्डन कलर के रैप में गिफ्ट देते नजर आ रहे हैं। बता दें कि अरुणीता कांजीलाल पहले भी अपनी आवाज़ से गेस्ट जजेज को मुरीद कर चुकी हैं। इस शो का फिनाले 15 अगस्त को होने वाला है। इंडियन आइडल के इतिहास में पहली बार 12वें सीजन का फिनाले 12 घंटे तक चलने की खबर है। इंडियन आइडल 12 के फिनाले में गायकी के साथ साथ कंटेस्टेंट के लुक का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। इसके लिए बाकायदा बॉलीवुड के मशहूर फेमस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा से ड्रेस डिजाइन करवाया गया है। शो के सभी टॉप 6 कंटेस्टेंट के साथ मनीष ने एक फ़ोटो अपने इंस्टा पर शेयर किया है। सभी सिंगर्स की तारीफ भी है। अब ये देखना बेहद खास होगा कि सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 का ताज आखिर किसके सर सजता है।